यस, हम कर रहे थे मोमेंटम, इंपल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एग्जांपल टू शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, ये हमने कर लिया सर। ठीक है, अब हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता ही है आपको, कौन बताएगा? चलो यस, वेरी गुड। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम रिमेन्स इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। लिख लो स्टेटमेंट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज, in an isolated system that is when net external force, that is when net external force acting on a system is zero, net external force acting on a system is zero, the initial momentum remains equal, the initial momentum remains equal to the final momentum. Initial momentum remains equal to the final momentum. Initial momentum remains equal to the final momentum. Right? अब हम इसको थोड़ा सा explain कर लेते हैं। F is equal to dP by dt. So according to our statement, if no external force is acting on the system, rate of change of momentum will be zero. Momentum will be derivative kiska zero hota hai, constant ka. So that means momentum is a constant. Aapne dekha hai constant ka derivative hamesha zero. So if the derivative of momentum is zero, that means momentum is a constant. So ye to ho gaye choti si explanation. एक डेरिवेशन भी की थी आपने नाइन्थ में इसकी, एक दो बॉल्स लेके हमने तब भी इसको डिराइव किया था, है ना? चलो उसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। लेट अस डू द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट बाई रिकॉयल स्पीड ऑफ गन, यू नो रिकॉयल ऑफ गन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। And I told you wherever Newton's third law is applicable, it is the result of only internal forces. External force is zero in all those cases. So their momentum is conserved. So all the examples of Newton's third law are also the examples of conservation of momentum. So उसमें से एक example pick किया कि हमने जब shoulder पे रख के gun fire की, bullet fire की, तो bullet आगे गई तो थोड़ा सा jerk हमें भी लगा। तो इसका मतलब गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद विच वेलोसिटी इट रिकॉइल्स, लेट अस फाइंड दैट आउट। एंड वन थिंग आई वांट टू से, चलिए, और एक तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, इतने ही, इतनी एब्सेंटीज 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं ये वाला टेस्ट करने में। तो प्लीज आई सजेस्ट कि ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट दिस टेस्ट, ऐसे तो आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए, रिकॉयल स्पीड ऑफ गन। अब आपके सिस्टम में दो चीजें हैं, वन इज गन एंड अदर इज बुलेट। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर फायरिंग, और फाइनल मोमेंटम मींस आफ्टर फायरिंग। ठीक है, तो मास ऑफ गन, मास ऑफ गन लेट अस से कैपिटल एम, एंड स्पीड ऑफ गन इज कैपिटल वी, जो हमने फाइंड करनी है। बुलेट छोटी होती है, इसका मास स्मॉल एम और स्पीड स्मॉल वी ले लो। ठीक है, तो अब इनिशियल मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग ना गन मूव कर रही है ना बुलेट मूव कर रही है। आप जो यहां इधर आ गए, उधर चलो, बिफोर फायरिंग
इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट, दोनों ही मूव नहीं किए तो इनिशियल मोमेंटम है जीरो। फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, दोनों ही चीजें मूव कर रही हैं, बुलेट आगे गई है, गन पीछे रिकॉइल कर रही है, तो दोनों की कुछ कुछ मोमेंटम है, कुछ वेलोसिटी। तो आफ्टर फायरिंग फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ गन एमवी प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट स्मॉल एमवी। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन किधर गया। अभी हमने देखा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, पुट इन द वैल्यूज। हमें निकालना है वी, so this is the formula for recoil speed of gun that you can directly use in numerical problems, but we will comment on the result also. Okay, we will also comment upon the result. Negative sign shows that if the bullet moves in the forward direction, gun will recoil in the backward direction. तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि बुलेट एंड गन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड सिंस द रिकॉइल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन एंड गन इज हैवी, मास ऑफ द गन इज मोर, दैट मींस रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज वेरी स्मॉल। तो एक हल्की सी स्पीड प्रोड्यूस होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ विच आर शोल्डर एक्सपीरियंसेस अ लिटिल बैकवर्ड जो, उसके करके हमें एक हल्का सा झटका ही लगता है बस। बुलेट तो बहुत आगे जाती है, इतनी स्पीड से आगे जाती है कि किसी को मार भी सकती, पर वो जो गन है उससे सिर्फ हमें एक हल्का सा झटका लगता है, बिकॉज रिकॉइल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। तो गन का मास काफी ज्यादा इन कंपैरिजन टू बुलेट, तो इसमें बहुत स्मॉल सी रिकॉइल स्पीड प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉमन वेलोसिटी ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम। Common velocity of bullet block system. So there is a bullet of mass m moving with velocity u towards a stationary wooden block at rest of mass m. ठीक है, तो वो stationary पड़ा है, उसकी कोई momentum नहीं है because it's not moving. ठीक है, आपको मैंने बताया था अगर truck खड़ा हुआ है तो उसका कोई danger नहीं है, पर अगर खुद कोई आके बजे तो फिर कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो ये एक ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। आफ्टर द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, इट ड्रैग्स द ब्लॉक अलोंग विद इट, तो बोथ ऑफ देम मूव विद कॉमन वेलोसिटी एंड मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज एम प्लस एम। बुलेट भी ब्लॉक के अंदर है एंड इट ड्रैग्स द ब्लॉक अलोंग विद इट, यू कैन इमेजिन। तो वो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है जिससे अब ये सिस्टम मूव कर रहा है। सो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यहाँ पे भी, ठीक है। सो लेट अस फाइंड इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, दैट इज मोमेंटम ऑफ बुलेट ओनली। ब्लॉक तो रेस्ट पे है तो मोमेंटम सिर्फ बुलेट में है एम यू। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। पीछे पीछे, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। इनिशियल मोमेंटम इज एम इनटू यू। अब फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मास ये कंबाइंड मास इनटू वेलोसिटी, एम प्लस एम इनटू वी, एम प्लस एम इनटू वी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। So initial momentum is equal to final momentum here. According to the law of conservation of momentum, initial is equal to final. Put the values. So we get mu is equal to m plus mv.
recoil speed of gun is, sorry, this common velocity of bullet block system is mu over m plus n. तो इस तरह से ये तो कोई दो एग्जांपल है, कोई भी सिचुएशन ले सकते हो और आप इसको कर सकते हो. इज दैट क्लियर? फाइन. चलिए, ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. रॉकेट प्रोपल्शन की भी एक बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस नाउ, सो वी वॉन्ट बी डूइंग दैट. लेट अस नाउ डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. लेमी थ्योरम इन इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. So there are three concurrent forces, P, Q and R. Concurrent forces means whose net resultant is zero, that are acting at a single point and are in equilibrium. ठीक है, हम जैसे कि लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ का, तो उसमें हम बिल्कुल यही इक्विलिब्रियम पोजीशन सेट करते हैं. थ्री कंकरेंट फोर्सेस, टू साइड्स पे वेट हैंग कर देते हैं सेंटर में. Suppose this angle is alpha, this is beta and this is gamma. Suppose these are the angles here. Then according to Lemmy's theorem, the magnitude of each force is directly proportional to sine of angle between other two forces. अगर हम P ले रहे हैं तो एंगल लेंगे Q and R के बीच. Same way, let us write the next term Q over sine beta is equal to R over sine gamma. So this is your Lemmy's theorem. तो डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स में इसको भी यूज कर सकते हैं. समटाइम्स हमारे पास टू चॉइसेस होती हैं, जहां एंगल्स दिए हुए, या तो रेजोल्यूशन से कर लें या फिर लेमिस थ्योरम से कर लें. हाँ, वही यूज करते हैं. उसमें साइड्स होती हैं ट्रायंगल की और साइड्स वेक्टर के प्रोपोर्शनल है. वहां से फिर ये वही से है, साइन लॉ से ही है. मतलब फॉर थ्री concurrent forces in equilibrium, for three concurrent forces acting at a point comma in equilibrium, this holds. आगे ये आपकी statement. मतलब for concurrent forces in equilibrium which are acting at a point, this will always hold true. इसका proof syllabus में नहीं है. इसको use कैसे करना है, उसका एक numerical का example देती हूँ आपको, वो करके देख. बनाओ ये ड्रॉ करो. तो क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन इन द थ्रेड T1 एंड T2. फाइंड टेंशन इन द थ्रेड T1 एंड T2 इफ दीज, आपको दिख ही रहा है कि तीनों इक्विलिब्रियम में है. तो हम या तो रिजोल्व कर सकते हैं T2 को
और फिर बैलेंस कर सकते हैं, या तो एक ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है और अदरवाइज हम लेमी सीरम यूज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से करते हैं, लेट अस यूज लेमी सीरम फर्स्ट। तो अब देखिए, सबसे पहले ये 600 न्यूटन हो गया, अगर जी को 10 ले लिया आपने, ये हो गया एमजी 600 न्यूटन। ये अगर लिया है तो आप फोर्स एंगल कौन सा लोगे इन दोनों में, ये 90 का है और ये 45 का है, 135 डिग्री हो गया। T1 और T2 के बीच में एंगल लोगे ना अगर आपने 600 लिया है, तो एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स, तो वो 90 प्लस 45 135 है, ठीक है, 90 प्लस 45 135 डिग्री। अब लेते हैं T1 ओवर क्या आएगा और T2 ओवर क्या आएगा, चलो बताओ। T1 ये 45 है, ये 90, तो T1 ओवर भी साइन 135 आया और T2 ओवर क्या आएगा 90। T2 का ओवर आएगा एंगल बिटवीन दीज टू वो 90, T2 ओवर साइन 90, T1 ओवर साइन 135 डिग्री। चलिए बताइए आंसर्स क्या है। तो पहले फर्स्ट टू को इक्वेट कर दो, देन फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कर दो, आपका T1 भी आ जाएगा, T2 भी आ जाएगा। T1 अगर लिया है तो एंगल लोगे आप T2 और 60 डिग्री, ये 600 न्यूटन, इसमें और इसमें एंगल चाहिए आप। अगर ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 का है, 45 प्लस 90 135 है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये कट जाएगा, T1 आ गया 600 न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करके, ना कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड, 600 ओवर साइन 135, साइन 135 इज इक्वल टू साइन 45, साइन 90 इज 1, 600 ओवर 1 बाय रूट 2, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो आपका T2 आ गया 600√2 न्यूटन, सो दिस इज योर T2, दोनों आंसर आ गए, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है बहुत ही सिंपल लेमिसू, तो काफी न्यूमेरिकल्स आपके इससे हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका आ जाता है इसको रिजोल्व करके, करिए। अब सेकंड मेथड लिखिए रिजोल्व, ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, यू नीड नॉट रिजोल्व T1 और 600 न्यूटन, आपको इसको रिजोल्व करना। सो रिजोल्व ओनली T2 इनटू टू कंपोनेंट, तब बैलेंस कर दो, वर्टिकल को बैलेंस कर दो हॉरिजॉन्टल को, अगर दो दो इक्वेशन बन जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। तो रिजोल्व T2 इनटू टू पार्ट्स, T2 cos 45 डिग्री एंड T2 साइन और कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका T2/√2 हो गया, ये भी T2/√2 हो गया। अब T1 इज इक्वल टू T2/√2 एंड T2/√2 इज 600 न्यूटन, दो इक्वेशन सॉल्व करो। तो इनको इक्वेट करके T1 तो आ गया 600, देखो वैसे, फिर उसको 1 में पुट कर दो, T2 आ गया, वही सेम आंसर आ देंगे यहाँ, ठीक है, सेम आंसर यू विल गेट हियर, क्लियर। सो दिस इज लेमी सीरम। All right. चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ी सी कनेक्टेड मोशन का आइडिया हो जाएगा आपको, नहीं तो पुली वाले सारे न्यूमेरिकल रह जाएंगे आपके, पर उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेम करनी आनी चाहिए,
स्प्रिंग का क्या? वो तो हम वर्क एनर्जी में करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी नहीं। ठीक है चलिए, अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं हॉर्स एंड कार्ट, अभी रहने दो। तो वर्टिकल सर्कल, पर उसके लिए भी आपको इक्वेशन और मोशन तो बतानी ही पड़ेगी ना। तो एक केस करा देती हूँ, चलो कनेक्टेड मोशन का। आर्टवुड मशीन, सो देर आर टू अनइक्वल मासेस पासिंग कनेक्टेड टू अ थ्रेड पासिंग ओवर अ पुली। ये हैवियर मास है कैपिटल एम जो इधर एक्सेलरेट हो रहा है, और लाइटर मास जो है वो ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लाइट इनएक्सटेंसिबल वेटलेस पुली और उसके ऊपर एक स्प्रिंग है लाइट, उसका इग्नोर करो मास ऑफ पुली और स्प्रिंग को। तो उसके एंड्स के साथ दो मासेस कनेक्टेड हैं, हमें टेंशन इन द थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना। जिस एक्सेलरेशन से लाइटर मास ऊपर जाएगा, सेम एक्सेलरेशन से हैवियर मास नीचे आएगा। तो एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम वी नीड टू फाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द मासेस। तो ये हमने अज्यूम किया है, लेट अस मार्क वेरियस फोर्सेस ऑन स्मॉल एम मास फर्स्ट। अब इसके वेट की वजह से, वेट एम जी की वजह से देयर इज टेंशन इन द थ्रेड, और अगर नॉट ना हो कोई टेंशन थ्रेड में, एक ही थ्रेड हो तो उसके हर पार्ट में सेम टेंशन जाएगी। ये नहीं कि आपने इधर टी वन ले लेनी, उधर टी टू ले लेनी, जब तक बीच में कोई नॉट नहीं है या कोई और मास बीच में अटैच नहीं है, आपकी टेंशन सेम रहेगी एक थ्रेड के ऊपर। अब इसके वेट की वजह से भी टेंशन है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके हो गए सारे फोर्सेस। नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम मास। अकेले स्मॉल एम पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ऊपर है, टेंशन इधर है और इसका वेट इधर। सो सी हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन वी आर हैविंग ए फ्री बॉडी डायग्राम। सो टेक द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नेट फोर्स निकालना पड़ेगा ना जो ऊपर लेके जा रहा है। तो टेक द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, टेक द डिफरेंस ऑफ फोर्सेस। तो आप क्या लिखोगे? टी माइनस एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो आपकी इक्वेशन बन गई टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ऐसे लिखते हैं। अब कैपिटल एम की लिख सकते हो खुद। अब इसकी एक्सेलरेशन इधर है, तो दिस फोर्स माइनस द प्रीवियस फोर्स। अब आप डिफरेंस लोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी माइनस सी इज इक्वल टू एम ए। तो फॉर कैपिटल एम मास आप लिखोगे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। पहले देख लो किसको ये इक्वेशन क्लियर नहीं हुई, किसको क्लियर नहीं हुई वो पूछ सकता है, क्योंकि ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार। आपका कॉन्सेप्ट है। हाँ जी जी मितेश मैम, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार इक्वेशन। आपको ये पता लगा फर्स्ट वाली? आपकी नेट एक्सेलरेशन इधर है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल आउट ऑफ द टू? बिगर माइनस स्मॉलर? यस मैम। ये है नहीं है, तो आप डिफरेंस लोगे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स बिग होगा या स्मॉल होगा। सो यू विल टेक टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? एम ए। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। और कैपिटल एम के लिए देखो इधर लेना है अपने डिफरेंस, ये बिगर होगा क्योंकि मास इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। बस मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमने डिफरेंस में, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब उधर का फोर्स डोमिनेट कर,
बस ये अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड वन एंड टू, ये टी और माइनस टी कट जाएगा, ऐड वन एंड टू, एम जी माइनस एम जी आप अपने हिसाब से कर लो। तो एक्सेलरेशन इज एम माइनस एम ओवर एम प्लस एम जी, ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर लो, राइट को राइट में ऐड कर लो, अपने अकॉर्डिंगली कर लो, मैंने ऐसे किया। सो ऐड वन एंड टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, लर्न द फॉर्मूला, एम माइनस एम ओवर एम प्लस एम इंटू जी। Acceleration of the system, acceleration with which the masses are moving. ये वो acceleration है जिससे mass small m ऊपर जा रहा है, capital M नीचे आ रहा है। Clear? अब ये a का formula put करो in one and find t. Put a in one and find the formula for tension now. चलो बताओ एलसीएम वगैरह लेके ब्रैकेट ओपन करके क्या आता है टेंशन ऑफ द सिस्टम। ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस, हाँ दिवांशी मैम टेंशन का फॉर्मूला आ रहा है टू एम कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम प्लस एम इनटू जी। यस वेरी गुड, सो टू एम एम जी ओवर एम प्लस एम आएगा टेंशन, टू एम एम जी ओवर एम प्लस एम ये आएगा। यस मैम, दो टर्म्स आ जाएंगी ना, ये देखो इसमें पुट किया हमने t माइनस एम जी इज एम, एम माइनस एम जी ओवर एम प्लस एम है ना, ऐसे ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एम प्लस एम माइनस ये भी उधर चला गया, अब पता लग गया टू कहां से आया, ये वाला जो माइनस एम एम जी उधर गया तो ये टू एम एम जी हो गया, दो टर्म सेम है, देख लीजिए एक बार ही कैलकुलेशन। सो द फॉर्मूला फॉर टेंशन ऑफ द सिस्टम इज टू एम एम जी ओवर एम प्लस एम, गॉट इट।
ये मैंने इसको खुद ही ओपन नहीं किया टी एम प्लस एम को, क्योंकि हमने टी तो बाहर निकालना है, इसके साथ जो रहने थे। आप उसको खोल सकते, बाद में कंबाइन करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अगर डाउट है किसी को तो पूछ लो। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट टू एनीवन? कल हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वो हमारे लॉज ऑफ मोशन के लास्ट टॉपिक ही, और फ्रिक्शन भी तो पढ़ा है। सच फ्रिक्शन है, अभी 2 दिन लग जाएंगे, अभी कोई बात नहीं।